हेलो अनेरी, वेलकम टू लेरे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा फील कर रही हो आप? बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही नर्वस भी हूँ, पर ये मेरी जर्नी की एक नई शुरुआत है। एंड आई होप दैट जितना प्यार आप लोगों ने मुझे इतने सालों में दिया है टीवी के थ्रू, इस बार आप मुझे एक रियलिटी शो में भी उसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। खतरों के खिलाड़ी में जाने से पहले आपने खुद को कितना प्रिपेयर किया है? खुद को मैंने मेंटली प्रिपेयर किया है कि अब क्या ही कर सकते हैं, अब हाथ तो बोल दिया ना, सो अब वहाँ जाके जो भी होगा देखा जाएगा, बट आई एम गोना गिव इट माई बेस्ट शॉट। पूरी कोशिश करूंगी कि सारे स्टंट्स कंप्लीट करूँ। जैसे कि आपने आज तक खाली शोज में एक्टिंग किया है, और ये जो खतरों के खिलाड़ी गेम है ये बहुत ही डिफरेंट है बिकॉज इसमें आपको स्टंट्स करने हैं, तो कोई ऐसा स्टंट जो आपने पहले शोज में देखा हो जिससे आपको अभी भी सोच कर डर लगता है कि हाँ मुझे ये करना पड़ेगा? तो सारे स्टंट से ही डर लगता है, जितने भी स्टंट्स देखे मैंने सारे स्टंट से डर लगता है, पर वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ पर वो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस कितनी होगी और सारा कुछ दिमाग का कमाल है, तो होपफुली आई विल जस्ट काम माई सेल्फ डाउन एंड गिव माई बेस्ट। सबसे पहले जब आपको इस शो के लिए अप्रोच किया गया आपका रिएक्शन क्या था? पागल हो क्या? दिस इज माई रिएक्शन कह रही। बट बहुत टाइम से लोग मुझे रियलिटी शो में देखना चाहते थे, और मुझे लगा कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, वो एक फीलिंग आती है आपको, और वो फीलिंग इस बार आई है, सो हियर आई एम डूइंग खतरों के खिलाड़ी। जैसे कि शोज़ में आपको आपके मतलब फैंस काफ़ी पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो ये जो स्टंट करना है तो आपको क्या लगता है आपके फैंस आपको उतना ही प्यार दे सकेंगे? फैंस सिर्फ फैंस नहीं, फैंस फैमिली भी है, तो फैमिली आपको हर एक स्टेप पर सपोर्ट करती है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो एज माई फैमिली आई एम श्योर कि वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। बात करें रोहित शेट्टी सर की, तो रोहित शेट्टी सर के साथ आप मिलने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं उनसे मिलने के लिए, बिकॉज ही इज़ अ वेरी फनी पर्सन एंड आई लाइक फनी पीपल, और उनके वो कैसे मुझे गाइड करेंगे और मैं कैसे स्टंट्स करूँगी, ये सब सोचकर ही मुझे बहुत ही खुशी होती है। जैसे कि शो में आपके अलावा और भी कंटेस्टेंट्स हैं जो कि आपको भी पता है कौन है, तो उसमें से कोई एक पर्सन या दो पर्सन जो आपको कंपटीशन देगा, जिसको आप भी कंपटीशन देना पसंद करेंगे? मैं ये सब चीज़ें नहीं सोचती हूँ, आई जस्ट लाइक गोइंग विद द फ्लो, और वहाँ पे चीज़ें किस तरीके से होती है ना ही वो हमें पता होता है ना ही उन्हें पता होता है, सो होपफुली हंसी खुशी सारे स्टंट्स करेंगे। जैसे कि ये शो में सारे स्टंट्स जो है खतरों से भरे ही रहते हैं, तो क्या आपकी रियल लाइफ में आप कैसी हैं, क्या खतरों का सामना करती हैं? मैंने खतरों का सामना सिर्फ एक हमेशा जो खतरों का सामना रोज़ करती हूँ, जब मैं घर पर लेट पहुँचती हूँ और मेरी मम्मी डांटती है, बाकी खतरों का सामना आज तक किया नहीं है, पर इसीलिए मैं ये शो कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीक पॉइंट्स और मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। थैंक यू अनिल, लेरे से जुड़ने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।